गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल? एब्सोल्युटली फाइन ना? ओके, तो तुम पढ़ाई के लिए रेडी हो ना? ओके, टुडे वी विल लर्न यूनिट 4, ट्रेस टू ट्रेजर। ओके, कचरे में से खजाना, वेस्ट थिंग में से बेस्ट थिंग, एक्टिविटी 4 और 5। एक्टिविटी 3 तक हमने आगे लेक्चर में पढ़ लिया है, और इसमें हमें क्या देखा था कि कैसे हमें हमारी जो वेस्ट थिंग्स है उसका यूज करके हमें न्यू थिंग्स, बेस्ट थिंग्स बनानी है। ओके, और ऐसी एक स्टोरी भी हमने देखी थी किंग की। ओके, किंग ने अपने कुक को ऑर्डर किया था कि ये सभी जो वेजिटेबल्स स्क्रैप है इसका तुम्हें रीयूज करके कोई न्यू डिश बनाना है। तो कुक है वो वरीड हो गया, क्योंकि उसके पास ऐसे कोई ज़्यादा सब्जी नहीं थी जो उसने डिशेस बनाई थी। इसमें से थोड़ी थोड़ी सब्जी बची हुई थी, वही थी उसके पास, बहुत ही कम मात्रा में थी। ओके, तो अब ये सोचता है कि क्या बनाना है। इतनी स्टोरी हमने देखी थी। ओके, मैंने कहा था ना कि आगे की स्टोरी है वो पार्ट 2 में आएगी। ओके, तो आज हम ये स्टोरी पढ़ने वाले हैं। इससे पहले एक्टिविटी 4, द स्टोरी लिस्ट द वेजिटेबल दैट द कुक हैड इन द बास्केट ऑफ द स्क्रैप। अब स्टोरी में से जो कुक के पास जो भी वेजिटेबल्स बची हुई थी बास्केट में, ओके, उसकी हमें लिस्ट बनानी है। देर वॉज ओनली अ लिटल बीट ऑफ याम, थोड़ा सा ही याम था, प्लेंटेन, क्यूकुम्बर एंड पोटेटो, बहुत ही कम मात्रा में उसके पास ये सभी थिंग्स थी। ओके, देर वॉज स्मॉल कैरेट, एक छोटा सा कैरेट था, ए हैंडफुल ऑफ ग्रीन बीन्स, इतनी सी ओके बीन्स थी, एंड अ फ्यू चिलीज, और बहुत ही कम चिल्ली थी। ओके, ये सभी जो वेजिटेबल है ये कुक के पास बास्केट में वेस्ट पड़ा हुआ था। फाइंड द अदर सेंटेंस इन द स्टोरी दैट मेक अ लिस्ट, नोटिस द पंक्चुएशन दैट सेपरेट्स द वर्ड्स इन द लिस्ट, लुक केयरफुली एट द सेंटेंस एंड मेक अ न्यू सेंटेंस दैट लिस्ट एट लिस्ट 4 आइटम यू हैव इन योर होम। अब आपको क्या करना है कि ऐसे स्टोरी में से अदर सेंटेंस फाइंड करना है, और आपको लिस्ट बनाना है कि जो पंक्चुएशन है वो एक वर्ड को दूसरे वर्ड से सेंटेंस में डिफरेंट करता है। ओके, एंड देन क्या करना है कि ये कुक के पास बास्केट में जो भी वेजिटेबल्स है उसके अलावा आपके होम में आपके पास क्या थिंग्स है ये आपको लिखना है। ओके, तो 4 थिंग्स आपको लिखनी है। ओके, तो केबीज, टोमेटो, देन अनियन एंड कैप्सिकम, ये 4 थिंग्स है मैंने यहाँ पे लिख दी है जो कुक के वेजिटेबल में नहीं है। ओके, शेयर योर लिस्ट सेंटेंस विथ योर क्लासमेट, ये आपने जो सेंटेंस लिखा है ना ये आपके क्लासमेट के साथ शेयर करना है। वर्क टुगेदर टू लुक क्लोजली एट द सेंटेंस इन द स्टोरी एंड टू लुक क्लोजली एट योर ओन सेंटेंस, वर्क टुगेदर टू मेक श्योर ईच सेंटेंस इज करेक्ट, और आपने जो सेंटेंस लिखा है ये सही है या गलत है। ओके, ये आपको लिखना है। मैंने तो यहाँ सिर्फ नेम ही लिखा है, यहाँ सेंटेंस दिया है इन माय होम देयर इज। ओके, तो वहाँ जो भी पंक्चुएशन का यूज होता है वह आपने अच्छे से सही तरीके से किया है या नहीं किया है ये आपके फ्रेंड के लिस्ट के साथ आपको शेयर करना है, मैच करना है, वो देखना है। अगर इसमें कुछ मिस्टेक है, कुछ ऐसे 2 नेम्स है तो इसके बीच में कोमा आता है तो ये आप भूल गए हैं, तो आपको ये इम्प्रूव करके वापस लिखना है। ओके,
Did you both get all the punctuation correct? If not, what can you change to correct it? Okay, then, अगर आपने सही punctuation नहीं किए है तो क्या आपसे mistake हो गई थी? ये आपको वापस यहाँ पे लिखना है. Okay? Now activity 5, a new dish part 2. हमने जो न्यू डिश पार्ट 1 की स्टोरी पढ़ी थी, ओके, वो सिर्फ आधी थी, यहाँ पे आधा भाग है, ओके, पार्ट 2. The cook stepped outside, looked up at the tree, and suddenly he had an idea. अब कुक है, वो बाहर गए, उसने एक ट्री की तरफ देखा, और suddenly इसके दिमाग में एक idea आया, ओके? उसके पास एक कोकोनट की ट्री थी, ओके, वो बाहर गए और उसने एक बड़ा सा कोकोनट ट्री देखा और जल्दी से उसके दिमाग में एक आइडिया आ गया. He took all the vegetable bits, washed them. उसने सभी भी जो वेजिटेबल्स के जो टुकड़े थे वो ले लिए, एक ठेक लिए, ओके, एंड देन सभी को उसने वॉश कर दिया. Clean them well, और अच्छी तरह से उनको क्लीन भी कर दिया. And cut them into long strip, और उसके लंबे लंबे टुकड़े में उसको कट कर डाला. He put them all into a huge pot and placed it on the fire to cook. Then बाद में उन्होंने क्या किया कि उसने उसको एक बड़े से पोट में डाला एंड ये पोट को उसने कुक करने के लिए फायर पर, अग्नि पर रख दिया. नेक्स्ट ही ग्राउंड द फ्रेश कोकोनट, देन उसने फ्रेश कोकोनट को उसने ग्राउंड किया, ओके, उसको पीस कर उसकी चटनी बनाई. ही एडेड ग्रीन चिली, गार्लिक एंड सम सॉल्ट, ओके, ये कोकोनट के साथ उसने उनमें क्या क्या ऐड किया कोकोनट में, ओके, ग्रीन चिली ऐड की, गार्लिक था उसके पास, लहसुन एंड सम सॉल्ट, और थोड़ा सा उसमें नमक डाला. सून द वेजिटेबल्स वेर ऑल कुक, सून सभी जो वेजिटेबल्स थे वो कुक हो गए. ही स्टीर इन द कोकोनट एंड प्लेंटी ऑफ कर्ड, इसमें उसने फिर क्या डाला, जो कोकोनट था ना पिसा हुआ, ओके, ये कोकोनट पिसा हुआ उसमें डाल दा, और कोकोनट के साथ इसमें क्या क्या डाला था, ग्रीन चिल्ली, गार्लिक एंड सम सॉल्ट, ओके, ये सभी का मिक्सचर जो था ब्लेंड किया हुआ, ये कोकोनट इसने, ये वेजिटेबल्स जो उसने कुक करने के लिए बड़े से पोट में रखा था, ओके, इसमें डाल दिया, एंड देन इसमें थोड़ा सा दही डाला, ओके, कर्ड मींस दही. पुअर वन सम कोकोनट ऑयल, और उसके बाद उन्होंने थोड़ा कोकोनट ऑयल पुअर किया. एंड स्प्रिंकल इट ऑल विथ करी लीव्स, और उसने सभी को करी लीव्स के साथ स्प्रिंकल किया, ओके, करी लीव्स मीन्स की लिमड़ा, जो मीठा लिमड़ा होता है उसके साथ सभी ने उसको स्प्रिंकल किया. द न्यू डिश वॉज रेडी, अब उसकी जो न्यू डिश थी वो रेडी थी, ओके, उन्होंने कैसे बनाई अपनी न्यू डिश, कि सभी जो वेजिटेबल वेस्ट थे ना उसके उन्हें बड़ी बड़ी लॉन्ग स्ट्रिप में कट कर लिया, ओके. सबसे पहले तो उसने क्या किया, सभी वेजिटेबल्स को अच्छे से वॉश करके क्लीन कर लिया, देन ये वेजिटेबल्स के उन्हें लॉन्ग स्ट्रिप कर लिए, देन उसके बाद एक बड़ा सा पोट लिया और उसमें सभी वेजिटेबल्स उन्होंने कुक करने के लिए फायर पर रख दिया. उसके बाद क्या किया कि कोकोनट, गार्लिक एंड चिल्ली और सम सॉल्ट उसमें डाल के सभी का मिश्रण कर लिया, सभी को मिक्स पेस्ट बना ली, ओके, देन ये पेस्ट जो थी वो उन्हें उस जो सभी सब्जी कुक करने के लिए रखी थी ने उसमें डाल दी. उसके बाद थोड़ा सा ऊपर से दही उसमें डाला एंड देन बाद में
कोकोनट ऑयल भी डाला, ओके। और उसके बाद उसने क्या किया कि करी लीव से उसको स्प्रिंकल कर लिया। और अब ये जो न्यू डिश थी वेजिटेबल वेस्ट है, ओके, जो सभी वेस्ट वेजिटेबल थे उससे डिश बनाई थी वो अब रेडी हो गई। द कुक सर्व हिज इन्वेंशन टू द गेस्ट दैट इवनिंग। और कुक ने जो अपनी ये नवी डिश इन्वेस्ट की थी, ओके, ये उन्होंने अपने गेस्ट को दी। द गेस्ट लव इट, सभी गेस्ट को ये बहुत ही पसंद आई। द किंग लाइक द इट सो मच दैट ही गेव द कुक अ ब्यूटीफुल गोल्ड ब्रेसलेट एज अ रिवॉर्ड। और जो किंग थे उसको भी ये डिश इतनी ज्यादा पसंद आई कि उसके रिवॉर्ड में, उसके बदले में उन्होंने एक ब्यूटीफुल ब्रेसलेट, गोल्ड ब्रेसलेट है वो उसको इनाम में दे दिया, ओके। राजा ने भी ये डिश टेस्ट की, उन्होंने भी बहुत अच्छी लगी और राजा है वो हैप्पी हो गए कि वाह ये तो बहुत ही अच्छी डिश बनी है, उसका टेस्ट है वो तो बहुत ही यम्मी डिलीशियस डिश है। तो राजा हैप्पी हो गए और गोल्ड ब्रेसलेट है वो कुक को उन्होंने रिवॉर्ड में दे दिया। एवरीवन वाज ईगर टू नो द नेम ऑफ द डिश। अब सभी जो गेस्ट थे वो ये डिश का नेम जानने के लिए ईगर थे कि ये डिश है, ये कौन सी डिश है, ये तो हमें बहुत ही अच्छी लगी, बहुत ही टेस्टी है, ओके। द कुक थॉट एंड थॉट, और ये कुक है वो तो ऐसे सोच में ही पड़ गया कि मैंने तो ये सभी ऐसे वेजिटेबल वेस्ट में से डिश बनाई थी, मुझे तो इसके बारे में आगे कुछ पता ही नहीं था, कुछ आइडिया ही नहीं था, मैंने तो ये ऐसे ही मेरे दिमाग में जैसे आइडिया आया तो मैंने बता दिया, उसका नाम तो मुझे भी पता नहीं, अब मैं इसका नाम क्या दूँ। तो ये भी कुक भी ऐसे सोचने लगा, वॉट कुड ही कॉल दिस मिक्सचर ऑफ मैनी थिंग्स। अब ये तो कई सारी थिंग्स के मिक्सचर से बना हुआ है, ओके, इसमें कोई एक या दो थिंग्स यूज नहीं हुए, जो भी वेजिटेबल उसके पास वेस्ट थे ना, बीन्स थे, कैरेट थे, याम थे, ओके, देन पोटैटोस थे, प्लेंटेंस थे, सब भी वेजिटेबल्स ने इसने यूज किया था, ओके। तो अब ये सोचने लगा कि ये जो सभी वेजिटेबल्स का मिक्स है उसको मैं क्या बोलूँ। देन ही थॉट ऑफ इट, ही नेम्ड द डिश एवियल। फिर उन्होंने डिश के बारे में सोचा, ओके, कि उन्होंने क्या नाम दिया, देन उसने ये डिश का नाम क्या दिया, एवियल। एवियल बिकम फेमस ऑल ओवर केरला। और ये जो डिश थी ना वो पूरे के पूरे केरला में फेमस हो गई, इतनी सभी को अच्छी आई, इतनी टेस्टी थी कि पूरे केरला में तुम कहीं भी जाके एवियल डिश कहो, ओके, तो सभी इसके प्रेस करेंगे, ये पूरे के पूरे केरला में बहुत ही फेमस डिश हो गई। एंड इज नाउ वंस ऑफ द डिशेस इन ट्रेडिशनल फीस्ट ऑफ केरला। और अब ये केरला की एक ट्रेडिशनल डिश बन गई है, ओके, परंपरागत। जैसे हमारे यहाँ गुजरात में कोई गेस्ट आते हैं तो हमारे मेनू में क्या होता है, हम क्या बनाते हैं, ओके, भजिया, रवा, चटनी, ओके, लड्डू, देन ढोकला, ओके, ये सभी जो हमारी डिश है ये हमारी गुजराती स्पेशल डिश है, ओके, समोसे, पकोड़े। तो ऐसे ही ये केरला में उसकी ये ट्रेडिशनल डिश बन गई। Isn't it amazing that it all came from a basket of scrap and a good idea? क्या तुम ये इमेज कर सकते हो कि ये जो डिश थी वो सभी वेजिटेबल वेस्ट में से थी, जो थिंग्स अब यूज होने वाली नहीं थी, जो फेंक देने के लिए था, इसमें से ये डिश बनाई है और गुड आइडिया, ओके। उन्होंने दिमाग में ऐसे आइडिया लाया कि इस थिंग्स का मुझे ये ऐसे यूज करके ऐसे डिश बनाना है, तो बहुत ही बढ़िया है ना, उसके जो आइडिया थे
वो ओके उसने ऐसा आइडिया निकाला कि मुझे उसका ये वेस्ट थिंग्स है ओके तो उसको मैं अब कैसे अच्छे से यूज कर सकूं। तो ये हमारी जो पूरी स्टोरी थी इसमें भी वेस्ट में से बेस्ट थिंग्स बनी है ना। ये सभी वेजिटेबल तो वेस्ट थे ना, फेंक देने के लिए थे। तो इसमें से डिश बनाई हुई थी और ये डिश इतनी फेमस बन गई कि पूरी केरला में फेमस हो गई और उसकी ट्रेडिशनल डिश बन गई। ओके है ना, बहुत ही अच्छा आइडिया। ऐसे ही आपको भी अब वेस्ट में से बेस्ट थिंग्स बनानी है। ओके समझ गए ना अच्छी तरह से कि कैसे ये कुक ने वेस्ट में से अच्छी तरह से डिश का यूके ओके डिश को क्रिएट किया अपने आइडिया से। वैसे ही आपको ही ऐसे ही अपने आइडिया से ही जो भी आपके घर में कोई वेस्ट थिंग्स है, आपको कोई न्यू थिंग्स खरीदनी नहीं है। ओके जो भी आपके घर में ऐसी बेस्ट थिंग्स है उसका यूज करके आपको एक अच्छी सी थिंग्स है वो बनानी है। ओके ये एक्टिविटी है, ये मैं आपको देखती हूँ, ये आपको करनी है। ओके ये आपकी एक्टिविटी समझो या फिर प्रोजेक्ट जो भी, आपको भी ऐसे ही आपके घर में जो भी वेस्ट थिंग्स है इसका यूज करके आपको बेस्ट थिंग्स बनानी है। इससे आप कुछ भी बना सकते हैं। ओके तोरण है या फिर ऐसे होम है या फिर कोई भी जो भी आपको आइडिया आए। ओके आपको ये सोचना है, आपको ये आइडिया लाना है कि आपको क्या बनाया है। लेकिन क्या एक चीज़ को जरूर याद रखना है कि ये थिंग्स है जो आपको खरीदनी नहीं है। ओके अगर इसमें कुछ आपको चिपकाने के लिए या गम की या फिर किसी भी चीज़ की जरूरत पड़े तो आप खरीद सकते हो। ओके लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी चीज़ आपको बाहर से लाके ओके बनाना है, नहीं। जो भी आपके घर में ऐसी वेस्ट थिंग्स है, पेपर है या फिर क्लोथी से या फिर ऐसे आपके कोई पुराने टॉयस है ओके पेपर है तो पेपर में से भी आप कई सारी थिंग्स बना सकते हैं। ओके तो आपको भी ऐसे क्रिएटिव आइडिया अपने माइंड में लाना है और वेस्ट में से बेस्ट थिंग्स को बनाना है। और सैटरडे पे जब आप आओ ना तब अपने साथ जरूर लाना। ओके आपको इनाम भी मिलेगा, जो भी सबसे अच्छी होगी उसको हम नंबर भी देंगे और आपकी थिंग्स जितनी भी अच्छी होगी हम सभी को यहाँ स्टाफ में भी बताएंगे। ओके तो बहुत ही अच्छे से मन लगा के करना। ओके करोगे ना। और ये एक्टिविटी तो हमारी स्कूल ओके लास्ट 1.5 साल से बंद है तो आपने कुछ ऐसी एक्टिविटी ही नहीं की होगी ना, तो आपको ये एक्टिविटी करने में भी बड़ा मज़ा आएगा। ओके अच्छे से करना और अच्छे से इनाम लाना और आपके दिमाग को चला के आपको भी ऐसे सोच के कुछ आइडिया लाना है कि नहीं इसमें हम ऐसे करेंगे, इसमें ऐसे करेंगे, कुछ न्यू क्रिएशन करना है। ओके आई होप कि तुम बहुत ही अच्छे से अपनी एक्टिविटी को करोगे। ओके आपको अब अच्छे से समझ में भी आ गया है और आगे की जो एक्टिविटी है वो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके टेक केयर, बाय।